बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसके आगे मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। लगी मिर्ची? अपने बेटे के बारे में बोली तो मिर्ची लगी ना? अरे कल तू मेरे घर आके मेरे बेटे के बारे में अनाप जनाप बकती गई, झूठे झूठे इल्जाम लगाती गई, तब तेरे जुबान पे सरस्वती तांडव कर रही थी ना? आज मैं बोलूंगी, तू सुनेगी, और वो भी बिना बोले। अरे छोड़ी हुई लड़की की आई ऐसे मुंह ऊपर उठा के बात नहीं करती। अर्चना छोड़ी हुई नहीं है, बल्कि मैं खुद आपके घर से उसे यहाँ लेकर आई हूँ। अरे कुलाड़ी कद्दू पे गिरे या कद्दू कुलाड़ी पे गिरे, कटता तो कद्दू ही है ना? ये शादी टूट गई क्योंकि तेरी बेटी में ही प्रॉब्लम थी, मेरे बेटे में नहीं। और आपका बेटा, आपका बेटा तो गुणों की खान है ना, और कल एक ही दिन में उसने अपने सारे गुण दिखा दिए, और वो भी सबूतों के साथ। देखिए मैंने जो भी कहा वो सबूतों के आधार पर कहा, लेकिन आप मेरी बेटी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रही है। मैं अपनी बेटी को आपके घर कभी नहीं भेजूंगी। अरे तू क्या नहीं भेजेगी, मैं ही नहीं लेके जाने वाली। अरे हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तेरी बेटी ने। अरे गलती हमारी थी, हमने तेरे अनपढ़ बेटी से मेरे बेटे की शादी करवाई। अरे वो एहसानों का बदला अच्छी तरह चुका रही है तू। अरे हमें तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए किस प्रकार की तेरी बेटी है। अरे इसीलिए तो तेरी लड़की को हजार लड़कों ने ना 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 कह दिया है। मेरी बेटी जिंदगी भर मायके रहे ना तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन आप जैसे घिनौने लोगों के साथ मैं उसे कभी नहीं भेजूंगी। छह छह लोग रहते हैं आपके घर में, लेकिन एक इंसान भी विश्वास के काबिल नहीं है। और आपका वो बेटा सब चरित्रहीन निकले। छी, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे सुलोचना ताई, ये चरित्र ये संस्कार सब तुम्हारे मुंह में अच्छे नहीं लगते। मेरे घर का उद्धार करने लगी है ना तू? अरे तेरा घर देख ना पहले, तेरा घर देख। बताओ क्या, सबको बताओ? अरे मेरा घर तो गंदा है समझ ले, लेकिन तेरा बड़ा परिवार है ना, बड़ा पवित्र घर है ना, और तेरी बेटी कहाँ कहाँ जाके क्या क्या धूल खिलाते बोलू क्या सबको? सविता जी, गलत कहा मैंने? हाँ क्या गलत कहा मैंने? तुम्हारे बेटी ने गुल खिला इसके लिए तुम्हारे पति ने जाके आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बाद में तुम्हारे बेटी ने अपने आप को फैन पे लटका नहीं लिया? बताओ अर्चना और सतीश की शादी क्यों टूट गई? मेरे बेटे पे इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन अपनी बेटी की घटिया हरकत बताने के लिए जिगर चाहिए। बोल बताऊ क्या, सबको बताती हूँ मैं, तेरी बेटी क्या गुल खिलाते हैं, और इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि इस मोहल्ले में रहने वाली लड़की की शादी बार बार क्यों टूटती है।
इस अर्चना के रिश्ते बार बार क्यों टूटते हैं आपको पता नहीं होगा। अरे सतीश जैसा अच्छा लड़का भी उसे छोड़ कर गया, क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाली लड़की वेश्या घर में जाती थी। तुमने कहा मेरा बेटा वेश्या घर में जाता था, वो जाता नहीं था, उस दिन गया था, वो भी तेरी बेटी को वेश्या घर से छुड़ाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा ये लड़की घर से हाथ में थाल लेके मंदिर में जाती है, लेकिन रास्ते में थाल कहीं फेंक के कहाँ भजन करने जाती मालूम है क्या? बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, बहुत बोल चुकी हैं आप, चले जाइए यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा आपको, चले जाइए यहाँ से। क्या करेगी तू, क्या करेगी तू, बोलना क्या करेगी? मैं इधर रास्ते पे खड़ी हूँ, तेरे घर में नहीं, ये रास्ता क्या तेरे बाप का है क्या? देखिए अब आप जाइए यहाँ से, अब वैसे ही इन सबके सामने हमारा तमाशा बना चुकी है। वारे बेटा वाह, आज जब मैं यहाँ खड़ी होके बोलने लगी तो वो तमाशा हो गया तेरे लिए, और कल तेरी आई मेरे घर में आके अनाप शनाप बक के गई, वो क्या कीर्तन था क्या? देख कल मैंने तुम लोगों की सुन ली, आज तुमको मेरा सुनना होगा। आशा करती हूँ इसके बाद में तू मुझे कुछ नहीं सुनाएगी ना बोलेगी, और ना ही लड़की को हमारे घर वापस भेजेगी। और इसकी दूसरी शादी तय होगी ना तो मैं देखने जरूर आऊंगी कौन सा राजकुमार मिला है तेरी बेटी को। बस सविता जी बस, बहुत हो चुका, अब अपने घर जाइए। अरे जाती रही हूँ मैं, रहने थोड़ी आई हूँ। अरे मैं तो सिर्फ इनको सब सच्चाई बताने आई हूँ। अरे आप ही तय कीजिए सही कौन गलत कौन, अगर आप हमारे जगह होते तो ऐसी बचलन लड़की को आप बहू बना लेते। नहीं ना, इसीलिए हमने भी इसको इसके घर वापस भेज दिया, शादी तोड़ दी। इनकी बेटी इनको ही मुबारक, हम तो छूट गए। रख देवा, मैं खा लूंगा। दादा कब तक, कब तक आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे? आप एक बार जाकर वहीं से बात क्यों नहीं कर लेते? तुझे लगता है मेरी बात सुनेगी? दादा जितना मैं वहीं को जानती हूँ तो मुझे लगता है कि वहीं आपसे बहुत प्यार करती है। मुझे मालूम है कि उस दिन जो भी हुआ वो एक गलत फहमी थी, क्योंकि उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे।
दादा, अगर आप आज जाकर वहिनी को सब कुछ सच सच बताएंगे तो मुझे लगता है कि वो यहाँ वापस आ जाएंगे। दादा, शुरुआत तो आपको ही करनी होगी ना, वरना ऐसा ना कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाए और फिर रिश्ते को संभालना मुश्किल हो जाए। नहीं बंधु, नहीं बंधु, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बंधु, मैं अर्चना के बगैर अब जी नहीं सकता। आदत सी हो गई है उसकी, इतने कम समय में उसने मुझे कितना कुछ दिया है, शादी का एक सही मायना सिखाया है। जीवन साथी क्या होता है, जीवन साथी क्यों होता है, उसके होने से जिंदगी की कमियां कैसे पूरी होती हैं, इन सब बातों को मैंने एक नए सिरे से जाना है। पहले मैं समझता था कि शादी महज एक समझौता होता है, एक ऐसी विधि है जो समाज की जरूरत है, लेकिन नहीं बंधु, शादी हमारी जरूरत होती है। ये एक ऐसा संस्कार है जो दो लोगों को एक होकर जीना सिखाता है, एक दूसरे के साथ जीना सिखाता है। बंधु, मैंने अपनी पत्नी से जितनी उम्मीद की थी, अर्चना ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दी। आंसू बांटने से कम होते हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अगर किसी इंसान को अपनाना हो तो सबसे पहले उसकी कमजोरी, उसकी कमियों को अपनाओ, तभी रिश्ता बनता है, रिश्ता मजबूत होता है। ये सब सीखा मैंने अर्चना से। बंधु, अर्चना ने मेरी एक आम जिंदगी को बहुत खास बना दिया। जिंदगी में समझौते होते हैं, लेकिन समझौते के साथ जिंदगी को कैसे अच्छे से जिया जाए, ये अर्चना ने सिखाया है मुझे। और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी शादी बचाने के लिए? नहीं बंधु, मैं जाऊंगा अर्चना के पास, एक आंच नहीं आने दूंगा इस रिश्ते पर। ये रिश्ता मेरी जिंदगी बन चुका है। ये रिश्ते से ना सिर्फ मैंने अर्चना को बल्कि अपने आप को फिर से पाया है। इस एक बंधन से हम दोनों के सपने, हम दोनों का भविष्य, हम दोनों की पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर ये एक बंधन टूट गया ना, तो मैं भी टूट जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। कल सात फेरों के साथ, सात वचनों से बना हुआ मेरा ये पवित्र रिश्ता है, और मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अरे सतीश जैसा अच्छा लड़का भी उसे छोड़ कर गया, क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाली लड़की वेश्या घर में जाती थी। अरे हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तेरी बेटी ने। अरे गलती हमारी थी, हमने तेरी अनपढ़ बेटी से मेरे बेटे की शादी करवाई। सुलोचना, आई 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 वैशन, जाकर जल्दी से आई का पंप लेकर आओ। सुलोचना, सुलोचना क्या हो रहा है तुम्हें? सुलोचना थोड़ा सा पानी तो पियो। सुलोचना, अरे आते तो संभालो खुद को। सुलोचना, सुलोचना ये ले। विनोद, जल्दी से डॉक्टर को बुला। पानी कहाँ? सुलोचना, अरे आंखें तो खोलो। सुलोचना, डॉक्टर ने क्या कहा विनोद? सविता जी की बातों का गहरा सदमा पहुंचा आई को।
इसी वजह से इनकी यह हालत हुई है। डॉक्टर ने सावधानी बरतने के लिए कहा, किसी तरह का भी सदमा या टेंशन आई के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। के पास बैठो। अब क्यों आया हो तुम यहां? क्या तुम्हारे आई से कोई कसर छूटी थी जो पूरी करने तुम आया हो? भाई काफी अपमान कर चुकी है वो हमारा। बहुत बहुत कुछ सुनाया है उसने अर्चु को। अब हमें और सुनने और सहने की ताकत नहीं है मानव। क्या क्या नहीं कहा है तुम्हारे आई ने मेरी अर्चु को? मेरी बेटी अनपढ़ है, मेरी बेटी गवार है। तुम लोगों ने हमसे रिश्ता करके हम पर एहसान किया है, और जब मेरी बेटी एक अच्छी बहू नहीं बन पाई तो तुम ही लोगों ने उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। ये और न जाने क्या क्या कहा है उन्होंने। बाबा मुझे हमारी बेटी छोड़ी हुई चीज है ना, तो क्यों उसके पीछे तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो मानव? बाबा मुझे मुझे नहीं पता कि भाई यहाँ आई थी और इतना कुछ बोल के चली गई। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। अरे और किस किस बात के लिए माफी मांगेंगे आप? और इतना सब कुछ होने के बाद आप हमसे माफी मांगने की उम्मीद छोड़ दे तो ही बेहतर है, क्योंकि जो धोखा आपने मेरी ताई को दिया है ना, उसके बाद हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आज आप आए माफी मांगने के लिए, कल फिर से आपकी आई आएगी कोई नया तमाशा खड़ा करने के लिए, और परसों फिर से आप आएंगे माफी मांगने के लिए। ये सिलसिला शुरू रखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। अर्चना मुझे सच में कुछ मालूम नहीं है, मेरा यकीन करो। अर्चना मैं गलत नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। बस तुम एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दो। अर्चना मैं उस दिन ही कहने वाला था, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ बोल नहीं पाया, और बाद में बात इतनी बिगड़ गई कि सबने मुझे ही गलत समझ लिया, यहां तक कि तुमने भी। आज अर्चना मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर दूंगा।